के रहने वाले एक युवक के साथ हुई जेब कटी की वारदात के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से परेशान पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। इस पीड़ित का नाम अरविंद कुमार है। पीड़ित थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भारत वालों का रहने वाला है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया कि 2 जनवरी के दिन वह भैंस खरीदारी करने गया था और वापस आकर वह थाना कोतवाली क्षेत्र के मदार गेट पर खड़ा था। उसी समय एक बाइक सवार उसके पास आया और कुराली का रास्ता पूछने लगा। उसने मानवता का परिचय देते हुए बाइक पर बैठे एक युवक को अपनी बाइक पर बिठा लिया और कुराली का रास्ता बताने के लिए चल दिया। इतने में ही पीड़ित की जेब काट ली गई। पीड़ित ने अपनी जेब में करीब 65,000 रुपए भैंस खरीदने के लिए रखे थे, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, सीसीटीवी फुटेज भी दिया, लेकिन थाना पुलिस द्वारा लगातार पीड़ित को गुमराह करके टरकाने का काम किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। तो मैं घंटा घर से मोहते भाई देवी रोड को जा रहे थे, वो देवी रोड सब्जी बिकती घंटा घर से वहाँ सब्जी बिकती, तहाँ से मुझे मोटरसाइकिल वाला आया, उसने से कही कि मुझे कुराली की रास्ता बता दो। तो हमने कही कुराली की रास्ता जो सीधी आई थी होकर चले जाओ, देवन तक सीधा रोड पड़ेगा, उसमें चले जाना। तो उसने मुझसे जगह कहा कि देखो ऐसा है, तुम कहाँ जा रहे? हमने कि हम जा रहे थोड़ी दूर के, तो किधर जा रहे? हमने क्या तो इधर ही रही अपने, कैसे बैठ लो मैं तुमको छोड़ देंगे वहीं। वो उसने छोड़ नहीं दिया, एक मैं बैठ गए उसके पीछे, एक को और बैठा लिया उसने बैठा लिया। जब तब ऐसा करो कि बाइक बैठा रखे और फिर चल दो, पानी पी थोड़ी दूर चलेंगे। तो जो मजाल दरवाजे से पहुँचा, हमने कही मतलब ऐसा है तुम थोड़ी दूर बताते हो, मजाल दरवाजे आ गए इतनी थोड़ी दूर तुझे इतनी होती है उतर नहीं, तो वो बोला नहीं, बोला नहीं। वो उसके पास देखता बैग मेरे पास ऐसे करके लगा लिया बस, और मैं ऐसे परियों बांधर के बैठे थे, वो मतलब चले गए और फिर ले गए चुंगी से, चुंगी के पास मैंने भी मैं आ गई अपने स्थान पर, मुझे उतार दो, बाने मोड़ लिया, बाने से कह दिया कि मैं मतलब जाए फैक्ट्री होती कहीं, हमने की फैक्ट्री के पीछे होती थी, तो बाने मतलब मोड़ ली और बाने जेब में काट पाई, तो इस वजह से बाने मतलब आगे लाओ चौकी के आगे निकले आओ, तब बाने मुझे छोड़ के और चला। अच्छा कितने पैसे? 65,200 रुपये। अच्छा इसकी शिकायत की थी आपने? हाँ शिकायत की। क्या कार्रवाई हुई? पहले चौकी गए वहीं वहीं देवी रोड पे कटरा वाले, हाँ ना पहले बाप चौकी पे मतलब बिना जगह ही कोतवाली आओ, हम सब कोतवाली के लिए आए, कोतवाली वालों ने फिर मतलब साहब बैठे थे उनने जगह ऐसा है वो कटरा चौकी वाले दुर्गा जी बुलाओ, बिल्कुल ना जिन साहब तो फिर आए दुर्गा जी, इनने हमको बैठा रहा मोटरसाइकिल पे और मेरे संगी थे उसको देने से कहीं कैमरा चेक करो, बाबूजी ने कहीं कैमरा चेक करवा दिया, जरूरी दिखाए वो कैमरा चेक करे, कैमरा में मतलब ऐसे वो हमें बीच में बैठा रहे हैं और बाय देखो अब वो पिछेरा मेरे दोनों हाथ। कार्रवाई क्या की? कार्रवाई मतलब कोई ना की, पहले तो अभी जो ही करो कैमरा देखो, कैमरा के बाद आए फिर बाबू जी ने जगह कि चलो ऐसे करना, हमें कैमरा देख के हमें छोड़ दूंगी और अपन दरवाजे आएगा, दरवाजे ने जगह तो 4 बजे आना, तुम्हारा कच्छ कुंड बटा रहा होगा। बस उस घर में चले गए, 4 बजे जब मैं गए तब उन्होंने जगह कि 20 मिनट में आना, 20 मिनट पहुँचे तब दरवाजे कहीं से आए, आए तब फिर मैं चले गए जगह अब तुम जाओ 9 बजे आना, फिर हम 9 बजे फिर फोन किया दरवाजे ने कही 9 बजे ना 10-5 मिनट बाद आना, फिर 9:20 में हम चल दिए, फिर दरुगा जी मुझको 9:30 करीब मिले खाने, उनने जो कही जब आए तो करो तुम बाए नकल फिर देना, तो हमने सवेरे कहा था ना तुम बाबू जी बजाते हो मुझे सवेरे दे तो रुपए दें तो तुम्हें लेना तो जो कागज लिखा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की? हाँ फिर कागज वो ले लिया, कागज ले लिया ताकि बाद फिर जो कही ऐसा करना कि अब रुको अब तुम सुबह आना, तो सुबह आए तो सुबह हमने कही 6 बजे आए कि 10 बजे हम उठते सो के तुम 10 बजे के बाद आना, टहलाते रहे हाँ 10 बजे फोन आ जाओ, कल 12 बजे जगह आ जाओ, तो 12 बजे गए, तो ये कही कि 12 बजे हम किसी को ला जगह संजाऊ जगह थी 12 बजे आना तुमको, मैं किसी को पकड़ के लाएँ साले को लौट जाएंगे करें कब जाएंगे कुछ होगा, तो हम ठीक है 12 बजे गए तब मैंने जगह 4 बजे आना, दरवाजे कुछ नहीं जो कागज लिया वो हाथ में ले।